हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर। अगेन आई एम हियर टू टीच यू योर मैथ सब्जेक्ट। इन माय प्रीवियस वीडियो आई टीच यू योर 8th चैप्टर नंबर्स फ्रॉम 21 टू 50। इन माय दिस वीडियो आई आल्सो टीच यू योर 8th चैप्टर नंबर्स फ्रॉम 21 टू 40। पिछले वाले वीडियो में मैं आपको 21 टू 50 का जो मिक्स वाला था, मींस की टेंस और वंस में से, उसे एक्सप्लेन की थी। इस वाले वीडियो में मैं आपको नंबर्स 21 टू 40 के बारे में पढ़ाऊँगी। इस वाले में भी सेम है, आपको यहाँ पे जो बंडल्स दिए गए हैं उन्हें आपको 10 में काउंट करना है, और जो सिंगल स्टिक्स दी गई हैं उन्हें सिंगल सिंगल काउंट करेंगे। मींस कि अगर वन बंडल दी गई है तो उसे हम 110 करेंगे, यानी कि 10। अगर टू बंडल दी गई है तो उसे हम 210 काउंट करेंगे, मींस 20। और इसी तरीके से अगर थ्री बंडल दी गई है तो 3 10s, 4 बंडल है तो 4 10s, इस तरीके से हम उसे काउंट करेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी गई है जिसे आपको क्या करना है, फील करना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 10s एंड 1 1 दी गई है, मीन्स 21, जो कि आपका किया हुआ है। सेकेंड वाले में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 10s दी गई है एंड 2 1s दी गई है, मीन्स कि यहाँ पे 10s कितने हैं 2 और 1s कितनी है 2, यानी 2 10s मीन्स 20 एंड 2 1s यानी कि 2। तो 20 प्लस 2 टोटल कितने हो गए, 22। नेक्स्ट में भी आप देख रहे हो कि 2 10s है एंड 3 1s है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लैंक है, मीन्स कि यहाँ पे स्टिक्स ड्रॉ नहीं की गई है। तो यहाँ पे 3 1s है, तो यहाँ पे हम 3 स्टिक्स ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा 2 10s एंड 3 1s इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए, 23। नेक्स्ट है 2 10s एंड 4 1s, 2 10s मीन्स 20 एंड 4 1s मीन्स 4, सो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे ये हमारे टोटल नंबर कितने हो गए, 24। नेक्स्ट है 2 10s एंड 5 1s, यहाँ पे 2 10s दी गई है मीन्स 20 एंड 5 1s यानी कि 5, सो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 25। नेक्स्ट है 2 10s एंड 6 1s, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्टिक्स है वो भी मिसिंग है, ब्लैंक दी गई है, वहाँ पे आपको स्टिक्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे 6 1s है, तो यहाँ पे हम 6 स्टिक्स इस तरीके से काउंट करके क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। सो 2 10s एंड 6 1s मीन्स 2 10s मीन्स 20 एंड 6 1s मीन्स 6, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट है 2 10s एंड 7 1s, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ब्लैंक स्पेस दिया गया है, तो ब्लैंक स्पेस में हम यहाँ पे 7 स्टिक्स सिंगल सिंगल ड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज 1s बोला है, 1s में हम सिंगल स्टिक्स ड्रॉ करते हैं और 10s में हम बंडल में ड्रॉ करते हैं। सो 2 10s एंड 7 1s इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए, 27। नेक्स्ट है 2 10s एंड 8 1s, यहाँ पे 2 10s तो ड्रॉ किया गया है बट 8 1s में नहीं किया गया है, तो यहाँ पे हम 8 सिंपल स्टिक्स ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा 2 10s एंड 8 1s टोटल कितने हो गए, 28। नेक्स्ट है 2 10s एंड 9 1s, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। 2 10s मीन्स 20 एंड 9 1 मीन्स 9, सो 20 प्लस 9 इज इक्वल टू 29, टोटल कितने हो गए, 29। यहाँ पे है 2 10s एंड 1 10, 2 10s मीन्स हो गए 20 एंड 1 10 मीन्स हो गए 10, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 30। तो यहाँ पे हमारा 30 हो गया। नेक्स्ट है 3 10s, 3 10s कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे कितने 10s और 10 10 होंगे, तो यहाँ पे हमारे 3 10 होंगे, 3 10 यानी कि 30। यहाँ पे देख रहे हो कि आप 3 बंडल दी गई है
और वन बंडल जो है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, मीन्स कि जो 3 बंडल है वो 30 के इक्वल है। सो 3 टेंस एंड 1 इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए, 31। 3 टेंस मीन्स 30 एंड 1 मीन्स 1, सो 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। नेक्स्ट है 3 टेंस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बंडल नहीं ड्रॉ किया हुआ है। तो कल भी मैं आपको बंडल ड्रॉ करने के लिए बताई थी कि क्या करेंगे, सिंपल 10 का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और उसके बाद हम उसमें सर्कल बना लेंगे इस तरीके से ताकि हमारा लगे कि ये क्या है, बंडल है। तो यहाँ पे 3 टेंस है, तो हम इसी तरीके से काउंट करके यहाँ पे हम 3 बंडल्स ड्रॉ कर लेंगे 10 स्टिक्स के। तो यहाँ पे ये हमने 3 बंडल क्या किया, ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारे क्या हो गए, 3 टेंस हो गए। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 1s दिया गया है, 3 टेंस मीन्स 30 एंड 2 1s मीन्स 2, सो 2 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे ये हमारा टोटल नंबर कितना हुआ, 32। नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि 3 टेंस जो है वो ड्रॉ किया हुआ है और जो 3 1s है वो नहीं ड्रॉ किया गया है। तो 1s में नहीं ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे हम सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे 3। सो 3 टेंस एंड 3 1s इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 33। नेक्स्ट है 3 टेंस एंड 4 1s, सो 3 टेंस मीन्स 30 एंड 4 1s मीन्स 4, सो 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34। तो ये हमारा टोटल नंबर क्या होगा, 34। नेक्स्ट है 3 टेंस एंड 5 1s, तो यहाँ पे 3 टेंस में आप देख रहे हो कि नहीं ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे हम बंडल ड्रॉ करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि बंडल कैसे ड्रॉ करना है। तो बंडल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले स्ट्रेट लाइन बहुत ही पास पास में 10 ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से काउंट करते हुए, ताकि जो स्ट्रेट लाइन है वो कम ना हो जाए, और उसके बाद उसमें हमें एक सर्कल इस तरीके का बना लेना है। फिर हम 10 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और फिर से उसमें हम इस तरीके का सर्कल बना लेंगे ताकि ये हमारा बंडल की तरह दिखे। नेक्स्ट हम फिर बिकॉज 3 टेंस बोला गया था, तो यहाँ पे हमें 3 बंडल्स ड्रॉ करने हैं, तो हमने 2 बंडल्स ड्रॉ कर लिए। थर्ड वाले बंडल के लिए भी हम सेम करेंगे, और इस तरीके से हम 3 बंडल्स ड्रॉ कर लेंगे। सो 3 टेंस एंड 5 1s, 3 टेंस मीन्स 30 एंड 5 1s मीन्स 5, सो 30 प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए, 35। तो यहाँ पे हम ब्लैंक बॉक्स में 35 लिख लेंगे। नेक्स्ट है 3 टेंस एंड 6 1s, तो टेंस में आप देख रहे हो कि बंडल 3 बंडल जो है वो स्टिक्स की ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे आपको 1s में ड्रॉ करना है। तो 1s में ड्रॉ करने के लिए हम बस सिंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, सो 6 1s बोला है, तो यहाँ पर हम 6 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो 3 टेंस एंड 6 1s इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए, 36। नेक्स्ट है 3 टेंस एंड 7 1s, सो 3 टेंस मीन्स 30 एंड 7 1s मीन्स 7, सो 30 प्लस 7 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर कितना हो गया, 37। नेक्स्ट है 3 टेंस एंड 8 1s, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेंस में जो बंडल्स हैं वो ड्रॉ की हुई हैं, 1s में नहीं ड्रॉ की गई हैं। तो 1s में 8 1s बोला है, तो यहाँ पे हम सिंगल सिंगल स्ट्रेट लाइन 8 ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अगर हम अलग अलग ड्रॉ करते हैं मीन्स कि ये क्या है, 1s है, और इसी में अगर हम साथ में ड्रॉ कर लेते 10 स्टिक्स ड्रॉ करके को सर्कल कर लेते मीन्स कि वो बंडल है। सो 3 टेंस एंड 8 1s, टोटल कितने हो जाएंगे, 38। नेक्स्ट है 3 टेंस एंड 9 1s, तो टेंस में आप देख रहे हो कि बंडल ड्रॉ की हुई है बट 1s में नहीं की गई है। तो 1s में हम 9 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, हमारा 9 स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये हमारे हो गए
वंस. सो थ्री टेन्स मीन्स 30 एंड 9 वंस मीन्स 9. सो 30 प्लस 9 इज इक्वल टू 39. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. थ्री टेन्स एंड 110. थ्री टेन्स मीन्स 30 एंड 110 मीन्स 10. सो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40. तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 40. तो यहाँ पे आपको मैं ये बंडल ड्रॉ करना भी बता दी और किस तरीके से आपको ये स्टिक्स ड्रॉ करना है ये भी बता ली. तो इसे आपको कॉपी में बनाना है. याद रखना है कि 110 हुआ मीन्स कि कितने हुए, 10. अगर 210 है तो हम 10 को कितनी बार लेंगे, 2 टाइम्स लेंगे मीन्स 20. अगर 310 है तो हमें 10 को कितने टाइम्स लेना है, 3 टाइम्स लेना है मीन्स 30. इसी तरीके से अगर 410 है तो हमें 10 को कितनी बार लेना है, 4 टाइम्स लेना है मीन्स 40. अगर 510 है तो हमें 10 को कितनी टाइम्स लेना है, 5 टाइम्स लेना है मीन्स 50. तो इस तरीके से, और इसी तरीके से हमें क्या करना है, उसका बंडल भी बनाना है. बंडल बनाने का मैं एक बार और बता देती हूँ. इसमें क्या करना है, सिंपल स्ट्रेट लाइन सेम साइज के आपको 10 ड्रॉ कर लेने हैं इस तरीके से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 काउंट करके. और उसके बाद उसमें सर्कल बना लेना है. सर्कल हम इसलिए बना लेंगे मीन्स कि सर्कल बनाने से ये होगा कि हमारा क्या है, बंडल है. बिकॉज जब भी हम स्टिक्स के बंडल्स बनाते हैं तो हम बीच में उसे क्या करते हैं, रस्सी से बांध देते हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पे ये सर्कल इसमें बना लेंगे. अगर हम सर्कल बना लेते तो वो हमारा एक बंडल को रिप्रेजेंट करेगा. अगर यहाँ पे टेंस नहीं भी लिखा होता और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 बंडल्स हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे कितने हैं, 3 टेंस हैं. अगर 1 बंडल है मीन्स कि 10 है सिर्फ. अगर 2 बंडल्स हैं तो 2 टेंस हैं मीन्स 20. अगर 4 बंडल हैं मीन्स 40. एंड अगर 5 बंडल्स हैं मीन्स कि वो कितने हैं, टोटल 50. तो इस तरीके से हमें ये सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.